नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर भिन्न का हमने बेसिक पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। भिन्न के डिटेल पे आज क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों वीडियो में और इंजॉय कीजिए। तो जैसे कि हमने भिन्न का पहले डेफिनेशन पढ़ चुका है पहले वीडियो में, जो ना देखे हूँ वो जरूर जाके पहले वीडियो को देख ले। भिन्न का जो पार्ट वन वाला वीडियो है उसको आप देख लो, उनमें उस पर मैंने बेसिक सारे जो के हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं मैंने उस पे क्लियर कर दिया है ना। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन है ना, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4, है ना। इसको क्या करना है को हल करो, ठीक है। क्या करना है, इसको हल करना है। अब कैसे हल करेंगे, ऐसे सीधे सीधे जोड़ने का रहता, 1 + 2 + 3 रहता तो हम सीधे जोड़ देते और क्या लिख देते, आंसर 6 ऐसा लिख देते। पर यहाँ तो दिख रहा है कि सारा चीज क्या है, बटे बटे में है, भिन्न के रूप में है, कैसे इसको जोड़ेंगे। तो पहले देखो सबके जो हर है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि ऊपर वाले भी इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। सबके हर को पहले चेक करेंगे, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर समान नहीं रहा तो आगे के उस टाइप के मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी। हर समान है तो क्या करना है, उसको एक बार यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो अंश में दिया है उसको सारे चीजों को ऊपर में लिख देना है, ठीक है। सबका हर समान था, हर को मैंने एक बार लिखा और सारे अंश को ऊपर में लिख दिया। अब देखो 1 + 2 और + 3 कितना हो जाएगा, 6 / 4। अब देखो ये कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 3/2 इसका आंसर होगा। या फिर इसका आंसर को हम मिश्र भिन्न में भी ले सकते हैं, मिश्र भिन्न में मैंने कन्वर्ट करना बताया था। तो फिर से क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए 2 को क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 2 × 1 = 2 और 1 शेषफल बचेगा। तो जो आंसर आता है उसको सामने लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं और ये नीचे में, तो ये या फिर ये दोनों में से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। मिश्र भिन्न को नॉर्मल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो उसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आज भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाएंगे, थोड़े से बेसिक से थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो ये तब तक हमको सरल करना है जब तक कि वो हो जाए, है ना। अगर यही आंसर ऑप्शन में दिए रहता 6/4 तो हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। ये तो सिंपल सा था जिसमें सारा उसका क्या था, हर क्या था, समान था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है 4 + 5/6, ठीक है, को सरल करो, ठीक। अब क्या होगा इसमें क्या होगा, अब इसको देखो ये तो नॉर्मल दिख रहा है, ये भिन्न दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको भी क्या कर लेते हैं, भिन्न बना लेते हैं, नीचे में क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, +5/6, ठीक है। क्या किया मैंने, जो 4 सिंपल था उसको ऐसे लिख लिया, है ना, उसके नीचे 1 लगा दिया। 1 लगाने से कोई उसमें क्या होता है, चेंजेस नहीं होता है, और नीचे में लिख दिया, ये साइड में लिख दिया 5/6, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब देखो इन दोनों का हर समान है क्या, नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे हरों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना भी मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा, है ना, क्योंकि 1 तो 1 से ही भाग जाएगा, तो क्या होगा, 6 होगा। अब जो एलसीएम आया है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे में एक बार, है ना। आप क्या करेंगे, इस एलसीएम को नीचे वाली संख्या से क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, जैसे नीचे में ये 1 है तो 1 से क्या करेंगे, 6 को भाग देंगे, तो ये कितने टाइम में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली संख्या के साथ क्या करना, ऊपर वाली संख्या को पहले वैसे लिख, और जो जैसे कि हर से क्या किए, एलसीएम को भाग दिए, 6 आया, और उसको क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। एक बार में नहीं समझ आएगा, मैं बार बार बताऊंगी, तो ये चीज जो भी है कॉन्सेप्ट वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप देखो इसके हर में 6 है, एलसीएम भी 6 है, तो 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, है ना। ऊपर में क्या संख्या है, 5 है, और इसको भाग दिए तो कितना है, 1 आया, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, 6 × 4 = 24 + 5 × 1 = 5, और नीचे आया ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 31/6, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। सॉरी मैंने जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसका हो जाएगा 29/6, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ये समझ में आया,
क्या किया मैंने, पहले दोनों हर को देखे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों का हर समान था, लेकिन इसमें क्या है, हर समान नहीं है। तो हमने क्या किया, दोनों के हर को देखा, दोनों के हर अगर समान नहीं है तो हर का क्या किए हम, एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकालना मैंने बता दिया है पहले वीडियो में। तो 1 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा। वो जो एलसीएम आया उसको यहाँ पर वन टाइम हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, एक बार ऐसे लाइन खींच के क्या करेंगे, लिख देंगे। अब बारी बारी से सारी संख्याओं के साथ हम इसका कंपेयर करते हैं। अब ये 6 और ये 1, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो हर के साथ पहले क्या करेंगे, एलसीएम को भाग देंगे। जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, अंश के साथ गुणा करेंगे। मैंने ऐसा किया, फिर इसके साथ क्या किए, एलसीएम के साथ इसको भाग दिए, 6 को 6 से भाग देंगे, 1 आएगा। और इसको क्या कर दिए मैंने, इसके साथ ऊपर वाली संख्या के साथ फिर से गुणा कर दिए। गुणा करके जो भी फाइनल, जैसे 6 चौक 24, 5 एकम 5 और ये 6, अब दोनों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ के आंसर लाया। ठीक है, ये शुरू में थोड़ा सा डाउट होगा, कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सवाल बनाते जाएंगे आपके लिए ये खेल लगने लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। 5/2 - 3/7 क्या है क्वेश्चन, 5/2 / 3/7। ठीक है, सरल करो। अब ये तो मैंने लिख रही हूँ, अब क्या करेंगे, हर को देखो क्या बराबर है, इसमें 7 है, इसमें क्या है, 3 है। अब देखो 2 और 7 का क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा, है ना, एलसीएम। तो 2 और 7 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 2 एकम 2 और ये 7 नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, तो 2 × 7 = 14 क्या आया इसका, एलसीएम, एलसीएम बराबर 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया है उसको क्या करेंगे, नीचे में एक बार ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इस 14, अब देखो बारी बारी से क्या करते हैं, एलसीएम का नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इस दो को मेरे को क्या करना है, इससे 14 के साथ 14 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, 2 से क्या करेंगे, 14 को भाग देंगे, है ना, ऐसे भाग देंगे, 2 × 2 = 14, कितना आया, 7 आया। तो उस 7 को क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या के साथ, ऊपर में क्या है, 5, मैंने 5 लिखा और जो आया उसके साथ मैंने इसको गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, 7 को 14 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर वाली संख्या क्या है, 3 × 2। ठीक है, अब 7 × 5 = 35 + 3 × 2 = 6/4। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 41/14, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर जो संख्या थी वो ये माइनस में थी, है ना, ये क्वेश्चन माइनस में है, मैंने प्लस में कर दिया धोखे से, सॉरी। तो ये माइनस में है तो ये हम क्या करेंगे, माइनस में ही रखेंगे। ठीक है, अब 35 को हम -6 करेंगे तो क्या आएगा, 29/14, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों के हर को कंपेयर करते हैं। हर अगर एक से ज़्यादा भी है तो भी क्या करेंगे, सबके हर को देखेंगे, हर समान नहीं तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम एलसीएम लेने का, एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको वन टाइम लिखेंगे और फिर नीचे वाली संख्या से भाग देंगे और जो भी भागफल आएगा उसको ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया। और फाइनल देन हम क्या करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ने का सिंबल है तो जोड़ेंगे, घटाने का सिंबल है तो घटाएंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 5/6 × 2/8 - 1/4 ये क्या है, क्वेश्चन है जिसको क्या करना है, हमको सरल करना है। आप सबसे पहले देख लेते हैं, क्या देखेंगे, इसके हर को देख लेते हैं, 2, 6, 8 है तो क्या करेंगे, 6, 8 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये 6, 8 और 4 जैसे निकालते हैं, पहले 2 से भाग देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 से फिर भाग देंगे, 3 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। ठीक है, फिर 2 से देंगे, ये 3 नहीं जाएगा, 2 एक बार में जाएगा, फिर 3 से देंगे, 3 × 1 = 3। एलसीएम का टॉपिक मैंने अलग से लेक्चर पे बनाया है, तो अगर आप इसमें अगर एलसीएम निकालते कैसे उस पर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो पहले के वीडियो को देख ले, है ना। अब क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 यहाँ पर जो भी संख्याएं आई उसको मैंने लिख दिया, 3 × 2 = 6 × 12 = 24, 24 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे,
जो एलसीएम आता है उसको क्या लिखते हैं, नीचे में एक बार लिख देते हैं। अब हर के साथ क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। अब हर के साथ क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना। हर के साथ क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 6 / 24 है ना। अब 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 है ना। ये जो 4 आया उसको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करना है, 5 × 4 माइनस, फिर से क्या करेंगे, फिर इसके हर में क्या है 8 है और इसमें 24 है, 8 × 24 तीन बार में भाग चला जाएगा, आप करके देख सकते हैं ना। तो 3 × ऊपर में क्या है 2 है, उसको वैसे ही लिखेंगे माइनस। अब 4 को भाग देंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 ठीक है। तो क्या होगा, 6 × ऊपर में क्या है 1 है, तो 1 को ऐसे ही करेंगे ठीक है। आप भाग देख के देख लेना सेपरेट सेपरेट, 5 × 20 = 20, 3 × 3 = 6, 6 × 1 = 6 होगा, / 24। आप क्या देखेंगे, मैंने बोडमास का रूल बताया था है ना, बोडमास के रूल में कैसे करते हैं, समान संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं, जैसे कि इसमें भी ऋण है इसमें भी ऋण है, दोनों को ये क्या हो जाएगा, दोनों ऋण ऋण है तो ये जुड़ जाएगा, 20 माइनस ये हो जाएगा 12 / 24। अब 20 में गया 12, 20 में 12 घटाएंगे तो आएगा 8 और नीचे में आएगा 24 ठीक है। इसको और सरल कर सकते हैं, 2 × 8 और 2 × 1 = 2 है ना, 4/12, या इसको और कर ले हम तो 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 और करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 3 या 1/3, ये क्या होगा इसका आंसर ठीक है। तो ये था दोस्तों फ्रैक्शन से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। संख्याओं के पहले हर को चेक करेंगे, अगर हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हर इसका अलग अलग है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, उसके उसके एलसीएम को हर के साथ कंपेयर करेंगे, पहले हर से क्या करेंगे भाग देंगे, जो भी संख्या आएगी उसको हंस के साथ क्या करेंगे गुणा करेंगे, ऐसे पार्ट बाई पार्ट सारे नंबर का कंपेयर करते जाएंगे, और इस तरीके से जहां पर धन है धन लगाएंगे, ऋण है ऋण लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे उसको सॉल्व कर देंगे ठीक है। अगर नॉर्मल यहाँ 8/24 अगर आपके ऑप्शन में है तो इसको और सरल करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसको काट के देख सकते हो। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो इसको क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आंसर रहेगा ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, आगे के लेक्चर्स के लिए, अपडेट्स के लिए, एमसीक्यू के लिए मेरे साथ बने रहिए, और मेरे वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं जरूर आगे के वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगी, आपके डिमांड के हिसाब से वीडियो लेके आऊंगी। अभी हाल ही में सामने पेपर है, उसके हिसाब से भी मैं एमसीक्यू लेके आऊंगी, मैथ्स से रिलेटेड भी एमसीक्यू लेके आऊंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, थैंक यू।